बॉलीवुड में आजकल वैसे भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा। ऐसे में बॉलीवुड से एक और दुख भरी खबर सुनी जा रही है और वो है बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर और लिरिसिस्ट सावन कुमार टक का निधन। कई पॉपुलर गानों के लिरिक्स लिख चुके और फिल्में भी डायरेक्ट कर चुके इस महान व्यक्ति का निधन 25 अगस्त की शाम को हो चुका है और ये अब भगवान को प्यारे हो गए हैं। आपको बता दें कि ये दिग्गज कलाकार मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के आईसीयू विभाग में काफी टाइम से भर्ती थे और काफी समय से इन्हें फेफड़ों की परेशानी थी और इनकी इस बिगड़ती हालत के चलते इनसे इनके फ्रेंड्स भी आकर मिलते थे, पर किसी को क्या पता था कि कल शाम लगभग 4:15 बजे दिल का दौरा पड़ने के बाद मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से इनका निधन हो जाएगा। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, दुनिया को छोड़ चुके सावन कुमार टक की उम्र 86 वर्ष थी। जितनी इनकी उम्र थी उससे ज्यादा बड़ा इनका काम रहा है। आपको बता दें, सावन कुमार ने इंडस्ट्री में 1967 में ननिहाल फिल्म से बतौर प्रोड्यूसर शुरुआत की थी। 1972 में इन्होंने गोमती के किनारे फिल्म डायरेक्ट की थी और बतौर डायरेक्टर ये इनकी पहली फिल्म थी। वहीं सावन कुमार टक जी ने कहो ना प्यार है, सनम, बेवफा और सौतन जैसी फिल्मों के लिए गाने भी लिखे थे जो आज भी लोगों की जुबान पर हैं। इनका इस दुनिया को अलविदा कहना ना सिर्फ इनके परिवारजनों के लिए दुखमय है बल्कि बॉलीवुड के लिए भी है, जिसने एक अच्छे खासे जिंदा दिल कलाकार को खोकर बॉलीवुड का एक सितारा गवा दिया है। तो दोस्तों, ऐसे महान निर्देशक के निधन पर आप भी गमगीन हैं या नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।